नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। पहली खबर संभल से है, जहां स्वास्थ्य महकमे से हैरान करने वाली दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में स्ट्रेचर के अभाव में चारपाई पर बीमार को ले जाते दिखाई दे रहे हैं परिजन, वहीं दूसरी तस्वीर में स्ट्रेचर पर सीमेंट और बजर फुट ले जाते नजर आए मजदूर। दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये पूरा मामला संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय का बताया जा रहा है। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां बेटे ने अपने वृद्ध पिता को घर से निकालकर बेघर कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित पिता दर दर ठोकर खाने को मजबूर थे। बेटे को समझाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो पीड़ित पिता ने इस घटना की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की और भरण पोषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद SDM कोर्ट ने वृद्ध को हक दिलाने का निर्णय सुनाया और आज इस आदेश का पालन करते हुए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर घर खाली कराने की कोशिश की। उस दौरान महिलाओं से तीखी नोकझोंक भी हो गई। मामला बढ़ता देख महिला पुलिसकर्मियों ने बेटे की पत्नी और बेटियों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई और मकान खाली कराकर पीड़ित को सुपुर्द कर दिया। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। बता दें कि ये रोजगार मेला राजकीय ITI भिनगा में आयोजित किया गया, जहां कई कंपनियों ने 500 अभ्यर्थियों का चयन किया। दरअसल रोजगार मेले में 1500 युवाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें 500 युवाओं का चयन किया गया है। जनपद श्रावस्ती के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास मिशन द्वारा एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका सपना है कि हमारे देश का नौजवान रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने, उस सपने को साकार करते हुए आज देश की बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए उपस्थित हैं। और जैसा कि कंपनियों का 20 कंपनियों का मिला करके 1500 बच्चों को रोजगार देने का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट सभी जो है बच्चे कम पड़ गए हैं। मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा कि खबर बलरामपुर से है, जहाँ जिले के एक दिवसीय दौरे पर कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। वहीं राज्यपाल के दौरे को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रहा है। राज्यपाल का कार्यक्रम स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि राज्यपाल बलरामपुर जिले में SPO के तहत शुरू होने वाली पहली जैविक उत्पाद दुकान और मंडी का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वो बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ में दर्शन पूजन भी कर सकती हैं। उत्पादक संगठन भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत कार्यक्रम है ये, जिसमें किसान इकट्ठे होकर के एक कंपनी के रूप में संकलित होते हैं और जो भी उनका उत्पादन होता है उसका जो है प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके और उसको डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से या सीधे बाज़ारों में या मंडियों के माध्यम से करने का वो रहता है, ताकि जो है इसमें जो मध्यस्थ होते हैं बीच में बिचौलिया जो खरीद लेते हैं किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाता, उसी उद्देश्य को लेकर के यह कृषक उत्पादक संगठनों का गठन भारत सरकार के निर्देश पर जनपद में किया जा रहा है। सावित्री देवी जय ऊर्जा को प्रदेश की पहली मंडी अलाट हुई है, तो उस मंडी की जो दुकान है हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो मार्केट पर मिलती है उससे सस्ते रेट पर हम लोग देंगे और जैविक ज़्यादा पे प्राकृतिक खेती के आधार पर हमारी जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे और जो है आम जनता के बीच में उसको रखा जाएगा। महामहिम राज्यपाल का यहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है, जिसमें कि जो बलरामपुर मंडी है उसमें उनके द्वारा एक जो FPO है उसकी दुकान का वहाँ पे एक उद्घाटन किया जाएगा। वो एक ऐसा FPO है जो एकदम जो जैविक खेती के उत्पाद होते हैं उनको वहाँ पर बेचने के लिए वो दुकान दिया गया है उनको। इसके अलावा कुछ यहाँ पे लाभार्थियों का वितरण कार्यक्रम भी महामहिम राज्यपाल के द्वारा यहाँ किया जाएगा, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा ये भी संभावित है कि वो यहाँ पे जेल का विजिट करें और उसके बाद में वो देवीपाटन मंदिर का में भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो उसके तहत हम सारी तैयारियाँ जो है करवा रहे हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बेंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिवम पखवाड़े का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने शिरकत की, जहां सांसद जगदम्बिका पाल ने ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन भी किया और सीएससी बेम्बा को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने यह निश्चय किया कि हम नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे और उस सेवा पखवाड़ा में हम लोगों की सेवा करके जहां पे 17 सितंबर को जन्मदिन लोग किसी भी जन्मदिन को पार्टी से केक से मिठाइयों से करते हैं, वहाँ उस दिन हम लोगों ने जो जीवन मौत से जूझ रहे थे ब्लड के अभाव में, बड़े लेवल पे हम लोगों ने रक्तदान करके लोगों की जान बचाने का काम किया। और इसी अभियान में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आह्वान पे कि ये बूस्टर डोज 70% लग जाए। खबर गोरखपुर से है, जहां जिला महिला चिकित्सालय में यूपी का पहला आश्रय पालना स्थल का आज सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने भूमि पूजन किया। इस दौरान जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एनके श्रीवास्तव, महेश्वराश्रम के संस्थापक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल और महिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। बड़ा एक अवसर है जहाँ पर जो है हम समाज के उन बच्चों को स्थान और उन बच्चों का पालन पोषण का वादा कर रहे हैं जो कि मानवीय गलतियों की वजह से हैं, जो हम लोग जो है किसी तरीके से जो है उन बच्चों को छोड़ देते हैं जो बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं होती है, तो उनके कारण जो है जो बच्चे हमारे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं उन बच्चों के पालन पोषण के लिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक पालना है, जिसमें किसी बच्चे को जब छोड़ा जाता है तो उसके 2 मिनट के बाद उसका सेंसर क्रियाशील होता है, जिससे छोड़ने वाले बच्चे की गोपनीयता बनी रहे जो वह छोड़ रहा है। खबर श्रावस्ती से है, जहां भिनगा नगर में संचालित मॉल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि ट्रेडर्स व बी बाजार मॉल को सील कर दिया गया है। दरअसल फायर विभाग की एनओसी न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है, जहां एसडीएम भिनगा ने दोनों मॉल को सील कर दिया। एसडीएम ने कहा है कि फायर एनओसी मिलने तक आम लोगों के लिए ये मॉल बंद रहेंगे, साथ ही मॉल के नीचे संचालित दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर आगरा से है, जहां आज महापौर नवीन जैन ने आगरा मेट्रो के अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। दरअसल महापौर ने आज फतेहाबाद रोड पर शिविर चेक और जलभराव की समस्या को लेकर के निरीक्षण किया था। बता दें कि गंदे पानी का जलभराव देख महापौर नवीन जैन नाराज हो गए, जिसका गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा था। महापौर ने मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जलभराव की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। खबर बलरामपुर से है, जहां खैरहनिया गांव के पास खरझार नाले में मगरमच्छ तैरता दिखा। वही मगरमच्छ को देख करके ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी केपी सिंह को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया, लेकिन वन विभाग की टीम पकड़ने में नाकामयाब रही। खबर लिखे जाने तक मगरमच्छ उसी नाले में तैरता दिखा। खबर संभल से है, जहां बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुसलमानों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू हैं, उनकी पूजा पद्धति जो भी हो वो बदलने से पुरखे नहीं बदलते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में संभल पहुंचे सांसद ने कहा कि सांप्रदायिकता विपक्ष का एजेंडा है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।